लेकिन उससे पहले बयान जो आ रहे हैं उसको लेकर घमासान मचा हुआ है, खासतौर पर पंजाब के लिहाज से। हरीश रावत का बयान आया कि सिद्धू की अगुवानी में चुनाव में उतरेगी कांग्रेस पार्टी, जिसके बाद सुनील जाखड़ ने बकायदा ट्वीट करके अपनी आपत्ति दर्ज कराई। उन्होंने लिखा कि हरीश रावत का जो बयान है ये चौंकाने वाला है, क्योंकि अगर आप ऐसा कहते हैं तो ऐसे में जो मुख्यमंत्री है आप उसके अधिकार की गरिमा को कम कर रहे हैं। ये तमाम बातें ट्वीट के माध्यम से सुनील जाखड़ ने कही उस बयान पर जो हरीश रावत ने सिद्धू को लेकर कही कि सिद्धू एक लोकप्रिय नेता हैं और उनके नेतृत्व में ही आगे चुनाव में उतरेगी कांग्रेस पार्टी, जिसको लेकर जाखड़ ने कहा कि ऐसे बयान से आप कमजोर कर रहे हैं खासतौर पर मुख्यमंत्री को, जिनका आज देखिए शपथ ग्रहण समारोह है। अब से थोड़ी देर बाद ही शपथ ग्रहण समारोह होना है, 11 बजे का वो वक्त है जब शपथ ग्रहण समारोह होना है। अब नेताओं के पहुंचने का सिलसिला वहां पर लगा हुआ है, 40 लोगों को ही केवल जाने की अनुमति है, कोरोना प्रोटोकॉल को भी वहां पर फॉलो किया जा रहा है। उसी के लिहाज से राहुल गांधी भी थोड़ी देर में ही पहुंचने वाले हैं, वो तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। लेकिन जो खबरें अभी तक आई हैं, कैप्टन अमरिंदर इस शपथ ग्रहण समारोह में नहीं आएंगे, लेकिन जब चन्नी का नाम कल फाइनल हुआ उन्होंने बकायदा ट्वीट करके बधाई जरूर दी थी। देखो तो जो उनका बयान है उसलिए तो वो जिम्मेवार हैं, वही कमेंट कर सकते हैं, मैंने देखा नहीं है। लेकिन ये हाई कमांड का फैसला है, कल हरीश रावत जी का फैसला नहीं है, श्रीमती सोनिया गांधी जी का फैसला है। राहुल गांधी जी आ रहे हैं, आ रहे हैं वो पहुंच रहे हैं। और ये भी पता चल रहा है कि चन्नी जी शायद कैप्टन अमरिंदर सिंह के पास जाएंगे, आपको चलो जाना चाहिए, तो कटसी बनती है। आपको लग, आप पर हरीश रावत जी जा रहे हैं तो ऊपर हमला हुआ, क्या इससे नुकसान होगा कांग्रेस? देखो ये डिफरेंस ऑफ बड़े बहुत बड़े बड़े लोग हैं, कोई क्या कहता है कोई क्या नहीं कहता ये तो उनकी बात है, लेकिन सारी कांग्रेस जो है सेलिब्रेशन। चौहान का सीधा रुक कर लेते हैं, कुछ अपडेट उनके पास। सतेंद्र देखिए, शपथ ग्रहण समारोह के लिए पंजाब के होने वाले मुख्यमंत्री कुछ मिनट बाद चरणजीत सिंह चन्नी पहुंचे हैं, उनका पूरा काफिला यहां पर पहुंच गया है। आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरें, चरणजीत सिंह चन्नी बाकायदा यहां पर आ रहे हैं, उनके पहले पंजाब कैबिनेट के कई मंत्री यहां पर पहुंच चुके हैं। तो सीधी तस्वीरें पंजाब राजभवन की, चरणजीत सिंह चन्नी और उनके कैबिनेट के सहयोगी यहां पर लगातार पहुंच रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें कुलजीत सिंह नागरा गाड़ी में आपको दिखाई दे रहे हैं, चरणजीत सिंह चन्नी इसी गाड़ी में बैठे हुए हैं और चरणजीत सिंह चन्नी ने यहां पर अभिवादन किया है और ये तमाम उनके पारिवारिक सदस्य भी यहां पर लगातार पहुंच रहे हैं। तो पंजाब राजभवन में अब कहीं ना कहीं हलचल तेज हो गई है।